एक ओर जहां शासन द्वारा सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, वहीं दूसरी ओर कई जगह स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर एवं स्टाफ की कमी के चलते मात्र शासकीय भवन बनकर रह गए हैं। ऐसा ही मामला शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोहरदा में देखने को मिला है, जहाँ अस्पताल भवन पर तो लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, परंतु स्थायी डॉक्टर एवं स्टाफ की कमी पिछले बहुत समय से जस की तस बनी हुई है। वर्तमान समय में डॉक्टर संतोष कोतकर की ड्यूटी सप्ताह में मात्र 2 दिन ही स्वास्थ्य केंद्र लोहरदा में लगाई गई है, जिसमें नगर एवं आसपास के क्षेत्र के मरीजों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में पधारे प्रतिनिधि ने जब डॉक्टर लोकेश मीणा BMO कन्नौज से फोन पर चर्चा करी तो उन्होंने बताया कि अभी काटाफोड़ लोहरदा में एक ही डॉक्टर होने की वजह से दोनों जगह वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। अभी काटाफोड़ अस्पताल में नए डॉक्टर की पोस्टिंग हो गई है, उनके ज्वाइन होते ही डॉक्टर कोतकर लोहरदा अस्पताल में ही स्थायी रहेंगे। सत्यवाद से संजय परसाई की रिपोर्ट। हमारे साथ नगर के समाज सेवी संजय जी व्यास जुड़े हुए हैं। आप बताना चाहें कि हॉस्पिटल में जो शासकीय हॉस्पिटल नगर लोहरदा में बना हुआ है उसकी क्या स्थिति है? यहाँ पर पूर्व में डॉक्टर संतोष जी कोतकर पदस्थ थे, उनको क्या कारण से काटापुर अटैच किया है ये तो वरिष्ठ कार्यालय ही बता सकता है। उनके मात्र 2 दिन यहाँ करे हैं, इससे आम जनता परेशान है। यहाँ आसपास का क्षेत्र नगर लोहरदा मिला के कम से कम 25 से 30 हज़ार आबादी प्रभावित होती है इस शासकीय अस्पताल में व्यवस्था ना होने से। हमारा शासन से निवेदन है, आदरणीय BMO साहब से निवेदन है कि आप अतिशीघ्र वापस पुनः वैसी ही व्यवस्था करें कि पूरे हफ्ते भर डॉक्टर चिकित्सक और स्टाफ यहाँ उपलब्ध रहें। ये जो 2 दिन आप लोगों ने किया है डॉक्टर कोतकर जी का, वो निरस्त करते हुए वापस पुनः जिस हिसाब से पहले उनका पूरा 7 दिन ही रहता था ड्यूटी, वही आप नए न कहाँ गायब हो गए। पर्दे के पीछे केवल चुनाव आते हैं, जब ये सारे नेता नगरी बाहर आ जाती है, अपने अपने हित साधती है और चली जाती है, परेशान आम जनता होती है। इसके हालचाल आप देख लो कि पूरा नगर त्रस्त है, केवल एक हॉस्पिटल से ही नहीं है, यहाँ तो सारी व्यवस्थाएं चरमरा रह रही है। यहाँ अभी आवास में घोटाला हुआ और अनेक घोटाले यहाँ चल रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई संबंधितों पर नहीं की गई, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। आप स्वच्छ सर्वेक्षण की बात देख लो, चाहे लोगों के जन हितैषी योजनाओं शासन की चल रही है उनके बारे में प्रोग्रेस देख लो, तो लोहरदा सिफर है, कोई दम नहीं। यहाँ सभी समस्याएं जैसे डॉक्टर्स की ड्यूटी अभी सिर्फ हफ्ता में 2 दिन है, उसको हम कलेक्टर साहब से बात करके पूरी कंटिन्यू यहीं रहे ड्यूटी, इसका प्रयास करेंगे और कर भी लेंगे। और दूसरा, यहाँ स्टाफ की भी कमी है, उसके बारे में भी हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे और माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी विजिट कराएंगे। दूसरा, यहाँ पे साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है और एक जो सबसे बड़ी समस्या है शौचालय की, यहाँ पे पेशेंट परेशान होते हैं, तो उसके लिए नगर परिषद अभी तुरंत व्यवस्था करवा रही है और जो सुलभ शौचालय है वो रखवा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।